बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ शाही कोरमा। तो शाही कोरमे के लिए मैंने लिया है ये 1.25 किलो के करीब चिकन है, 1 पाव से ज़्यादा ये 1.5 पाव के करीब दही है, और ये 2 बड़ी प्याज मैंने ली थी जो तलने के बाद ये सिकुड़ गई हैं। थोड़ा टाइम हो गया है, मैं तल के मैंने रखनी थी तो ये सिकुड़ गई है। अभी मैं ये दही के साथ ये पीस लूँगी। और ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है खोपरा पिसा हुआ जो बाज़ार से मिलता है कुटे हुआ, और ये बादाम है इनको भी मैंने छील कर कूट लिए हैं, और ये 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून धनिया है, और 1 पिंच ये हल्दी का है। ज़्यादा हल्दी कोरमे में नहीं डालते हैं, वैसे बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, लेकिन अगर मुझे रंग हल्दी का अच्छा लगता है इस वजह से मैं ले लेती हूँ। और ये 1 टीस्पून ही नमक है, और दूसरा ये एक शाशे है नेशनल कोरमा मसाले का, ये मैं यूज़ करूँगी। ये शाशे ये तकरीबन 25-30 रुपए का शाशे मिल जाता है, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है इस वजह से मैं ये ज़रूर डालती हूँ। और अपनी मसाले जो होते हैं ये इस किस्म के मसाले मैं आधे कर देती हूँ और ये मैं डाल लेती हूँ। और मैंने ये 1.5 पाव के करीब ऑयल डाला है, क्योंकि ऑयल कोरमे में ज़्यादा नज़र आना चाहिए, तो इस वजह से तेल या घी आप जो भी डालें वो ज़्यादा डालिएगा। और 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ऑयल जैसा ये जो प्याज मैंने तली हुई थी वो तल के निकाल ली थी, और ये ऑयल इसमें रह गया था, घी रह गया था, तो अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। लेकिन चिकन डालने से पहले मैं तड़के के लिए मैं ये इसलिए गरम मसाले ये जो खड़े हैं ये इस्तेमाल करती हूँ ज़रूर। थोड़ा रंग चेंज करता है तो मैं अदरक लहसुन डाल दूंगी। ये थोड़ा नमक मैं अभी इसमें डालूंगी ताकि ये चिकन सूखे ना। ये बाद मेरा नॉन स्टिक बर्तन नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ताकि चिकन चिपक कर टूटे ना। ये चिकन का कलर चेंज हो गया है तो मैं अदरक लहसुन डाल दूँ। जैसा कि मैंने कहा ये शाही कोरमा है, तो शाही कोरमे के में जो बादाम होते जाए खुश्क मेवा जात बहुत ज़्यादा भी लोग डाल लेते हैं, और बादाम तो लाजमी होते हैं, तो मैंने कूट कर डाले हैं। लोग बाज़ साबुत भी डाल देते हैं, छील कर साबुत भी नज़र आते हैं तो वो खाने में आते नहीं है, इस वजह से पेस्ट बना कर डाल देना ज़्यादा बेहतर है। अम्मी ये जो मसाले आपको दिखाए थे ये मैंने आधी दही थी, आधी दही में पेस्ट बना लिया था, आधी दही में मसाले मिलाकर डाल दी। प्याज और दही का पेस्ट बना लिया था वो भी मैं डाल रही हूँ।
और जो ये मैंने शाश लिया था नेशनल का कौरमा मसाला, तो ये भी मैं डाल दूंगी। नेशनल कौरमा मसाले की खुशबू मुझे बेइंतहा पसंद है, तो ये दही इसमें जो डाली थी उसने अपना पानी छोड़ दिया है और चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा हुआ है, तो ये मैं गलने के लिए रख देती हूँ ढककर, फिर मिलते हैं। तो ये पानी अभी थोड़ा रहता है और लेकिन भुनने के लिए तैयार है। ये गोश्त भी तकरीबन गल ही गया है, थोड़ा सा हो गया, मैं इसे भी कुछ कर लूँगी फिर आपको दिखाती हूँ। अभी भूनने लगी है तो मैं भूनते हुए इसमें थोड़ी सी अदरक डाल दूंगी। अदरक मैंने बताई नहीं कि आप लोग होंगे, किसी को पसंद होती है किसी को नहीं पसंद होती, इसीलिए मैं मेरे ही घर में दो तरह के हैं, उनको तो अच्छी नहीं लगती थी, जिस तरह की कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे बेटे को बेंता पसंद है, ऊपर डाल करके खाता। इसमें अपना रंग छोड़ दिया है, रोजन सारा ऊपर आ गया, ये मसाला बन रहा है अच्छी तरह से, दाल अच्छी बनती जा रही है। मैं इधर बादाम भी डाल दूंगी, चूरा भी मिलूंगी। भून जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा दम का पानी डालकर दम से लगा दूंगी। ये सारा मसाला चटक गया है, सारा रोगन ऊपर आ गया है, थोड़ा मामूली सा पानी डालूंगी वो ये। मैं 5 मिनट दम के लिए रख देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें शाही चिकन कौरमा बिल्कुल तैयार है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो अब इजाज़त, फिर किसी रेसिपी में मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कि मेरा चैनल जायका हैदराबाद को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।